दबंगों को नहीं रहा प्रशासन का खौफ, रात्रि में कटवाया गरीब किसान की खड़ी गेहूं की फसल। जहां देश के सूबे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसानों को बढ़ावा देने के लिए सम्मान निधि व तमाम तरह के लुभावनी योजनाएं दे रहे हैं, वहीं भू दबंगों को भी कम छूट नहीं मिल रही है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हथगांव थाना अंतर्गत मानापुर सेमरा गांव की ओर, जहां भूमाफियाओं द्वारा किसानों के साथ ऐसा कृत्य किया गया कि किसानों का मनोबल टूट कर धराशायी हो गया। जहां किसान अपने गेहूं की फसल को तैयार कर अपना और अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर तमाम तरह के सपने संजो रहा था, तभी मानापुर समेरा का एक भूमाफिया निरंजन सिंह अपने गुर्गों के साथ नमन गुप्ता के खेतों पर रात्रि में पहुंचा और खेतों पर रखवाली कर रहे देशराज व उसके परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर उनकी खड़ी गेहूं की फसल पर मशीन चलवा दी। फसल कटवाकर अनाज अपने घर उठा ले गया। किसान सुधबुद्ध खोकर निराधार होकर अपनी कटती हुई फसल को देखता रहा और कुछ न कर सका। अब देखना है कि प्रशासन किसान को न्याय दिलवा पाएगा या दबंगों का बोलबाला होगा। वंदे भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए आज आपको लेकर चलता हूँ फतेहपुर जनपद के हदगाम ब्लॉक के अंतर्गत सेमरा मानापुर गांव में, जहां पर दबंगों ने एक गरीब व्यक्ति की 4.5 बीघे की गेहूं की फसल को काट कर रातों रात अपने घर उठा ले गए और जो खेत की रखवाली कर रहे थे उनको बंधक बना दिया गया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया और कहा गया कि अगर आप कहीं पर शिकायत किया और किसी से बताए तो आपसे आपको जान से मार दिया जाएगा। ये योगी राज में भू माफियाओं का भी अभी भी नहीं थम रहा आतंक। जहां पर योगी राज में चल रहा है कि भू माफियाओं को दफन कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वहीं पर आज ये सेमरा मानापुर के एक माफिया निरंजन सिंह हैं जिन्होंने एक गरीब व्यक्ति की फसल को तहस नहस करते हुए और रात 11 बजे मशीन द्वारा कटवा करके पूरा गेहूं अपने घर में उठा ले गए और पीड़ित आकर के थाने में तहरीर दिए हैं। अभी देने जा सिंह है, सेमरा मानापुर गांव है इनका। मैं नमन गुप्ता हूं, हथगाम में मकान है हमारा, हथगाम में रहते हैं। हमने इनसे खेत खरीदा था, उसके बाद हमने इसमें गेहूं की बुवाई करा दी थी। ये खेत जो अपना हमारे खेत की रखवाली यही करते हैं, आधे बटाईदार हैं हमारे। ये इन्होंने ही जुताई बुवाई किया हुआ, यही फसल बोए हुए थे। रात्रि में हमको सूचना मिली कि जो है खेत ये काट ले गए हमसे यहाँ से। उनको जब मोबाइल उनका स्विच ऑफ कर दिया था, इसके बाद हमको सूचना मिली इस चीज़ की। तो इसके मामला क्या है बाबा? हम रात में सो रहे थे, 11:30 बजे 11 के लगभग वकील आई है और 12 बजे काट के गल्ला लेके चले गए। खेत किसका था? खेत कुलदीप सिंह का। कुलदीप सिंह का खेत था, तो आप उसमें काम करते हैं? नहीं साहब, हम अधिया का ले। अच्छा, अधिया पे आप आधे पे लिए हुए हो। तो कौन आया था खेत में? खेत में आए थे तिरंगा। क्या नाम था? तिरंजन सिंह। तिरंजन सिंह आए हुए थे। वो आप वो कौन है? तिरंजन सिंह है कौन? उन्हीं के परिवार के हैं। अच्छा, उसी गांव के निवासी हैं। गांव क्या है? मानापुर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम देशराज। खेत किसका था? खेत कुलदीप सिंह का है। कुलदीप सिंह का था। लालचंद खरीदे हैं। तुम्हारा क्या था वहाँ पे? हमारा कुछ नहीं, हम अधिया का ले। अच्छा, आप आधे पे खेत लिए हुए हो? बटाई पे।